पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में से एक, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी जी की चुनाव अभियान लाइन का उपयोग किया है। वो हॉटलाइन के माध्यम से उनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे समय में जहां लोगों को राजनीतिक रैलियों में जबरदस्ती लाया जाता है, ये लोग अपने दम पर इकट्ठा हुए हैं, सब एक आदमी की वजह से। वो व्यक्ति जिसने एक राजनीतिक दल के पराक्रम को समाप्त किया, जिसने 60 वर्ष तक शासन किया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी पार्टी, एक नाम ने कांग्रेस के 60 साल के काम को हरा दिया। वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबसे बड़े देशों में से एक, लगभग 1.3 बिलियन की आबादी, और उस आदमी ने दो उच्चतम मुद्रा नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया। लोग लाइन में लग गए, लेकिन एक मुस्कान के साथ। इस आदमी की मदद से सबसे बड़ा एयरलिफ्ट निकासी हुआ। उन्होंने सऊदी और यमन के राजाओं के साथ बात की। उन्होंने कहा, ये सिर्फ कुछ नंबरों को डायल करने के साथ हुआ। ये शख्स अपने भाषणों के लिए खबरों में रहा है और वो अब क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य के रूप में भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य हैं। एक ऐसे राज्य में जहां हिंदू मुस्लिम समुदाय को राम मंदिर के मुद्दे पर विभाजित किया। इस फैसले से देश में हर कोई स्तब्ध था। उन्होंने बहुत कम समय में पाकिस्तान का दौरा किया। कोई पूर्व योजना, कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल बॉस की तरह। इस आदमी ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। बीजेपी ने हमेशा ट्रिपल तलाक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके शासन में पहली बार मुस्लिम महिलाओं की बात सुनी गई और उनकी देखभाल की गई। यकीन है कि इनसे भी नफरत की जाती है, आमतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा। कुछ उनसे नफरत करते हैं, लेकिन अधिकांश उन्हें पसंद भी करते हैं। हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर आपके जो भी विचार हैं, हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।